हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा केसरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। सो गाइस, आज है 19th मई एंड टाइम हो रहा है 12:15। आज है मेरे और मेरे हस्बैंड का वैक्सीनेशन डे। सो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद लगभग हम 3 से 4 हफ्तों से वेट कर रहे हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट मिल जाए कोई आसपास के हॉस्पिटल में, क्योंकि दूर दूर जाना मेरे को नहीं ठीक लग रहा था। मुझे लग रहा था कोई आसपास के हॉस्पिटल में अगर हमें स्लॉट मिल गया तो हम वहीं जाके वैक्सीन लगा लेंगे, भले थोड़ा सा वेट करना पड़े। सो 19th मई है और आज हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का वैक्सीन लगनी है। टाइमिंग है हमारी 1 से 4, हालांकि हमें हॉस्पिटल डिफरेंट मिला है। मेरे हस्बैंड को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिला है और मेरे को डिफरेंट हॉस्पिटल मिला है। बट वी वर लाइक कि चलो ठीक है, दोनों पास में है। मेरे घर से हॉस्पिटल बहुत ही पास है, यानी 10 मिनट के डिस्टेंस में होगा। सो हम आज जाने वाले हैं वैक्सीन लगवाने। एक्साइटेड हूँ, साथ में नर्वस भी हूँ, बिकॉज मेरे को निडल से बहुत डर लगता है। बट देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है क्योंकि इस हालात पे वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी आपको कोविड से, हालांकि घूमना नहीं है पर ठीक है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। खुद को भी एक डर कम हो जाता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जा रहे हैं, पर एक डर लगा रहता है भाई कहीं हो ना जाए, कहीं हो ना जाए। तो वैक्सीन ऐसा है कि थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन देगा। सो गाइस, आप भी मत भूलिएगा वैक्सीन लगाना, जैसे हो सके आप सब जाइए वैक्सीन लगवाने। आज मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन कैसे होता है। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने वैक्सीनेशन सेंटर और यहाँ पे मेरे को वैक्सीन लगनी थी। हम जा रहे हैं अंदर। गाइस, हमको टाइमिंग मिली थी 1 से 4 की। सो मैं 2:30 बजे वहाँ पहुंच गई थी सो दैट मेरे को वैक्सीन टाइम पे लग जाए। और हमने टाइमिंग ऐसे इसलिए चूज़ की थी ताकि हमें बहुत ज़्यादा रश ना मिले। गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश नहीं है। मैं डायरेक्ट अंदर इसलिए जा रही हूँ सो दैट मैं अपना एक फॉर्म लेकर फिलअप करके सबमिट करके मैं भी क्यू में लग जाऊँगी। गाइस, मैंने अंदर बिल्कुल शूटिंग नहीं की बिकॉज मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करवा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ उनके वैक्सीनेशन सेंटर और वहाँ पे मैं बाहर ही वेट करने वाली थी और मेरे हस्बैंड वैक्सीन लगवा के बाहर आने वाले थे। इसके बाद मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस और यहाँ पे सुनिए आप कैसा लगा। चीटी काटी। सो गाइस, मैं बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें लेके जाना है। पहली चीज़ तो आधार कार्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपका मोबाइल फ़ोन, जिस फ़ोन से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो फ़ोन लेके जाना है आपको। तीसरी चीज़ आपको ले जाना है पेन, बिकॉज एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उसमें आपका नाम और एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, तो एक पेन लेके जाना है। और चौथी चीज़ है सैनिटाइज़र, जो कि अपने आप में बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हमें अपने हाथ सैनिटाइज़ करने चाहिए और ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मैं होकर आ चुकी हूँ वैक्सीन लगवा कर और अभी हो रहे हैं 5:30 और 2:30 बजे मैंने वैक्सीन लगाई थी, पर अब तक मेरे में कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, यानी हेडेक नहीं है मेरे को और कोई फीवर, कोई भी ऐसे सिम्टम्स मुझे नहीं लग रहे हैं। जस्ट जहाँ पे इंजेक्शन लगी थी वहाँ पे हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा पेन हो रहा है, उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखते हैं क्या। हेलो गाइस, सो गाइस, मेरे को कल वैक्सीन लगी थी 2:30 PM पे और आज टाइम हो रहा है 4:30। सो गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 26 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड एज सच मेरे को या मेरे हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट रात में भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जस्ट कि जिस हाथों में हमने इंजेक्शन लगवाई थी उस आर्म में हमें बहुत मुझे इनफैक्ट बहुत पेन होने लगा था बिकॉज उस हाथ से मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था। बट मेरे हस्बैंड को वो भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, उनको बस थोड़ा सा हाथ में पेन है, उसके अलावा हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एंड गाइस, हमारी फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गई, इनफैक्ट मेरे घर पे। सो गाइस, मैंने बोला था कि मैं अपने वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स आप सबके साथ शेयर करूंगी एंड गाइस, मैंने कोशिश भी की है इस वीडियो में शेयर करने की। अगर गाइस कोई भी कमी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माय वीडियोस क्वालिटी एंड कंटेंट फॉर यू ऑल। एंड गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।